नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। योग गुरु बाबा रामदेव के साथ विवादों का नाता खत्म नहीं हो रहा है। हर दिन बढ़ रहे नए नए विवादों से बाबा रामदेव का नाम जुड़ता जा रहा है। वहीं अब बाबा पर गुरुकुलम में चार बच्चों को बंधक बनाने का आरोप लगाया जा रहा है, जिससे हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है और लोग सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव की जमकर किरकिरी कर रहे हैं। वहीं मामला वायरल होते ही इस पर आधिकारिक जांच शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला, आप भी देखिए। दरअसल मामला स्वामी रामदेव के वैदिक शिक्षण संस्थान गुरुकुलम से जुड़ा है, जिस पर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के कुछ अभिभावकों ने अपने चार बच्चों को हरिद्वार के गुरुकुलम में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि अभिभावकों ने हरिद्वार के जिलाधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर मदद मांगी थी, जिसमें अभिभावकों ने कहा कि चार बच्चों को उनके परिजनों को सौंपने के लिए गुरुकुलम प्रबंधन की ओर से 50,000 रुपए हर एक स्टूडेंट पर सिक्योरिटी मांगी गई है और अब इस पत्र की कॉपी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरे मामले पर ट्वीट कर चार बच्चों को गुरुकुलम में बंधक बनाने की बात कही है और मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद हलचल तेज हो गई है। वहीं इस बारे में हरिद्वार के जिलाधिकारी का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है और इस पर संबंधित संस्थान से बात की गई है और अधिकारियों को भी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। एक्चुअली एक शिकायत हमें प्राप्त हुआ है, इसका जो है पूरा फैक्ट्स जो है निकालने के लिए मैं संबंधित को निर्देश दिया हूँ, जिसमें जो है हम लोगों ने संबंधितों से विभाग से भी बात किया है, संबंधित संस्थान से भी बात किया है। अभी पूरा फैक्ट निकलने के बाद मैं ऑफिशियली बताऊँगा। एक्चुअली मुझे कुछ संदर्भ जो है व्हाट्सएप से प्राप्त हुआ है, व्हाट्सएप से प्राप्त होने के बाद जो है संबंधित विभागों को और संबंधित संस्थान से भी बात किया गया है। जब पूरा फैक्ट जो है मुझे रिपोर्ट के रूप में आएगा तब मैं बता पाऊँगा। हर खबर में होगी हमारी नज़र, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।